तो हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप इस मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का मॉडल पेपर का सलूशन, जिसमें बताएंगे 1 से लेकर 80 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, यानी वह कौन ऐसा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी यानी एफ का मान माइनस यानी ऋणात्मक होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी यानी एफ का जो मान होता है ना जी, वो माइनस में लिया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फोकस दूरी एफ और वक्ता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। आप सभी को मालूम होगा कि एफ बराबर r/2 होता है, जहां फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या के आधी होती है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये r/2f हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी के दो गुनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन से, तो कहता है कि पहले एफ है तो एफ बराबर क्या होगा जी, r/2 होगा। पहले अगर वक्ता त्रिज्या देता और बाद में फोकस दूरी पूछता तो वैसे स्थिति में एफ बराबर 2r हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का सही जवाब एफ बराबर r/2 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी किसी मनुष्य का आँख किसी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्वेश्चन का सही जवाब 25 सेमी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन 4 कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण यानी रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। इस प्रकार से एक प्रिज्म होता है, इस पे श्वेत रंग यानी जब श्वेत प्रकाश पड़ता है तो ये 7 रंगों में इस प्रकाश से विभक्त हो जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रक्षेपण भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे जो ऊपर का जो कलर होता है, रंग होता है, वो लाल होता है और सबसे नीचे होता है बैंगनी। और एक सवाल मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया था कि किस वर्ण का विचलन सबसे कम होता है, तो याद रखिएगा लाल रंग का, और किस वर्ण का विचलन सबसे ज़्यादा होता है तो बैंगनी रंग का। लेकिन सवाल उल्टा आएगा कि किस वर्ण का तरंग दर्द सबसे अधिक होगा, तो लाल हो जाएगा। किस वर्ण का तरंग दर्द सबसे कम होता है, तो बैंगनी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा रंग सबसे कम झुकता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ऊपर लाल था जो सबसे कम झुकता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, लाल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। आप सभी को बता दें, मनुष्य के आँख के रेटिना द्वारा बनाई गई जो प्रतिबिंब यानी छवि जो होती है, यह वास्तविक और उल्टा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आप सभी को बता दें कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। उसके बाद में कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। आप सभी को मालूम होगा कि उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान साइज का बनता है, और अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बनता है। तो कहता है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, तो जाहिर सी बात है अवतल दर्पण में, है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने में उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अवतल लेंस का जो इस्तेमाल है वो निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है, उत्तल लेंस का जो इस्तेमाल है वो जरा दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी चारों ऑप्शन में वह कौन ऐसा ऑप्शन है जो विद्युत धारा की उपस्थिति यानी करंट है या नहीं है, यह उपस्थिति को दर्शाने का काम करता है।
तो उस कारण को हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं, जो अपने भाषा में स्टेबलाइजर कहते हैं। और देखिए जनरेटर विद्युत धारा की उपस्थिति को नहीं दर्शाता है, मोटर भी नहीं दर्शाता है, और वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर का मान मापा जाता है। अगला सवाल कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। आप सभी को बता दें कि वाम हस्त नियम यानी दाएं हाथ के वाम हस्त नियम जो फ्लेमिंग ने दिया है, लेकिन दाएं हाथ के अंगूठे का जो नियम है वो मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। आप सभी को मालूम होगा कि विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं, जिसका SI मात्रक वोल्ट होता है, जिसे भी द्वारा सूचित किया जाता है और इसे वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। आप सभी को बता दें कि समानांतर क्रम संयोजन द्वारा किसी प्रतिरोध का मान घटता है, लेकिन श्रेणी क्रम समायोजन द्वारा किसी प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। कहता है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है वो माइनस में होती है, जिसे हम लोग काल्पनिक कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा कि 3.6 × 10^10 जूल के बराबर होते हैं 1 किलोवाट घंटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 14 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए। कहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होते हैं, यानी वैसे ऊर्जा जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ये सभी के सभी पुनः पूर्ति योग संसाधन भी कहलाते हैं और ये नवीकरणीय ऊर्जा के भी स्रोत है। लेकिन कोयले से जो प्राप्त ऊर्जा होते हैं ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होती हैं। उसके बाद में कहता है कि कौन सा लेंस अवसारी लेंस भी कहलाता है। तो याद रखिएगा अवतल लेंस को अवसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछा गया था कि किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, और किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। सबसे पहले जानिए कि प्राथमिक वर्ण कहते किसे हैं। तो कोई ऐसा रंग, कोई ऐसा कलर जो अन्य वर्णों के मिलने से नहीं बना हो, उसे हम लोग प्राथमिक वर्ण कहते हैं। जैसे लाल हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, ये सभी के सभी दोस्तों प्राथमिक वर्ण हैं। और वर्ण यानी रंग के 3 प्रकार में बांटा गया है। एक होता है प्राथमिक वर्ण, जैसे लाल, हरा, नीला हो गया। दूसरा होता है द्वितीयक वर्ण, जैसे कि मैजेंटा, सियान, गोल्डन कलर। तीसरा होती है संपूरक वर्ण, यानी सभी कलर को एक साथ मिला देंगे तो श्वेत प्रकाश बनता है, जिसे हम लोग संपूरक वर्ण कहते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, यानी मनुष्य के आँख का सबसे जो रंगीन भाग होता है उसे हम लोग आयरिस कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद में कहता है कि 1 HP बराबर क्या होता है। देखो दोस्तों 1 HP बराबर जो होता है ना वो 746 वाट होता है। हालांकि मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस बार के मॉडल पेपर में ये सवाल को ऐड किया गया है, इसलिए आपके मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल कहता है विशालक शीशा, जिसे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, इसमें कौन सा लेंस होता है। तो याद रखिएगा विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण को क्या कहते हैं। याद रखिएगा कि किसी भी चालक तार से विद्युत धारा जो प्रवाहित होते हैं उसमें एक गतिशील कण होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला सवाल कहता है कि एम्पियर घंटा मात्रक है, यानी जो एम्पियर घंटा मात्रक होता है ना जी, ये किसका होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि आवेश का SI मात्रक एम्पियर घंटा होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन में तेज करता है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट यानी W के बराबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि W बराबर J प्रति S यानी जूल प्रति सेकेंड होता है।
आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। आप सभी को मालूम होगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विभवांतर या विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, आवेश का एसआई मात्रक वाट होता है। ये सभी के सभी मात्रक याद करना बेहद ज़रूरी है। अगला सवाल कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है। आप सभी को मालूम हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो गैस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को रासायनिक संकेत में CO2 लिखा जाता है, इसलिए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी सेट का VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।